हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सामाजिक अंकेक्षण की जनसुनवाई, लोगों ने अपने हक की मांग की। बाड़मेर राजस्थान सरकार के द्वारा सूचना और रोजगार अधिकार अभियान के सहयोग से आंगनबाड़ी और मिड डे मील का सोशल ऑडिट करवाया है, जिसके अंतर्गत जिले की बाड़मेर आगौर पंचायत में आज जन सुनवाई कर दोनों विभागों के संदर्भ में लोगों के मुद्दे संकलित करने और सुनने का कार्य किया। सुनवाई के पैनल में कृष्ण सिंह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रामचंद्र उप जिला शिक्षा अधिकारी, गुलाब सिंह पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मूला राम पूर्व प्रधान ने लोगों के मुद्दे सुने। लोगों की शिकायत थी कि आंगनवाड़ी में नियमितता, पूरे समय खुली रहना, पोषाहार पूरा नहीं मिलने जैसे मामले हैं। उसमें सोशल ऑडिट टीम की ओर से अनीता सोनी ने प्रस्तुति देते हुए कहा कि रिकॉर्ड में भी बहुत सारी त्रुटि पाई गई है, जिसको अनियमितता कहा जाएगा। सभी पैनलिस्ट ने अपने विचार रखे, जिसमें CDPO कृष्ण सिंह ने सोशल ऑडिट की मूल भावना को स्पष्ट करते हुए बताया कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता आएगी तथा वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे। सोशल ऑडिट टीम में सूरज कंवर, लीला देवी, सूरज तनवर, भट्टा राम, भीमा राम, रतु कुमारी ने फील्ड में लोगों से जानकारी ली, जिसको सभी के सामने रखा। आज की सुनवाई में शिकायत करने वालों के जवाब अधिकारियों ने दिया, जिससे निचले स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों को सह मिलने जैसी परिस्थिति बनी। टीम ने सवाल उठाए कि आंगनवाड़ी में डेटा मिलन नहीं हो रहा है, इसको लेकर मॉनिटरिंग सिस्टम में बड़ी कमी महसूस हो रही है। स्कूलों के पोषाहार की स्थिति पर ज्यादा सवाल नहीं थे, लेकिन आंगनबाड़ी में हर बिंदु पर लोग बोलने लगे। अधिकारियों ने सुधार के लिए कार्रवाई का भरोसा दिलवाया तथा जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के लिए कहा। ये सामाजिक अंकेक्षण हुआ है आंगनबाड़ी और मिड डे मील का। स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता है, ये राज्य सरकार का एक निर्णय है, उसके अनुसार है। वो शासन सचिव श्रीमान के पाठक साहब ने एक ऐसा सोचा कि 12 जिलों में ये पायलटिक तौर पे हो रहा है, उसके बाद में पूरे राज्य में ऐसा होगा। और उसमें देखा जा रहा है कि आंगनबाड़ी में जो पोषाहार मिलता है वो कितना सही है और मिड डे मील मिलता है वो कितना सही है, लोगों तक कितना पहुँच रहा है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराम इकबाल की रिपोर्ट।